गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है, पहली चीज तो दो तीन रीजन है। तो किडनी के फंक्शन पर ही डिपेंड करेगा कि ब्लड का वॉल्यूम कितना होगा या बॉडी फ्लूड का वॉल्यूम कितना होगा, उनमें कॉन्सेंट्रेशन कैसी रहेगी, सॉल्ट आयन वगैरह बैलेंस कैसा रहेगा, ये सब चीज़ों का इन चीज़ों पर अफेक्ट होता है किसका, किडनी के फंक्शन का। ठीक है, तो किडनी से फिल्ट्रेट कितना बाहर जाना चाहिए, कितना अंदर रहना चाहिए, कितना रीअब्जर्व होना चाहिए, ये सब इस टॉपिक के अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक टर्म समझना है, दैट इज GFR। क्या है GFR? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? तो ये कितनी होती है, अराउंड 125 ml पर मिनट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR क्या है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ईच किडनी पर मिनट। पर मिनट हर एक किडनी से कितना GFR या कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, इसको अगर अपन पर डे के अकॉर्डिंग अराउंड कितना आ जाएगा, 180 लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे पूरा टंकी भर दोगे तुम दिन भर में अगर ये सारा का सारा एक्सक्रीट आउट होता है तो। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपने को कुछ और काम होता ही नहीं, दिन भर यही करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट कितना 99% पार्ट इज रीअब्सॉर्ब्ड, इसमें से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। क्लियर, तो अब किस तरीके से रीअब्सॉर्प्शन करवाएंगे या किस तरीके से इसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके भेजेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तीन मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता है। फर्स्ट वन इज RAAS। क्या है RAAS मैकेनिज्म? ठीक है, और साथ में याद रखना बाय JGA। किसके थ्रू होता है, बाय JGA। सेकेंड मैकेनिज्म सिंपल सा है, बाय ANF। एंड थर्ड मैकेनिज्म इज बाय ADH हार्मोन। ठीक है, तीन मैकेनिज्म का ध्यान रखना, 10 मिनट में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीनों मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत आसान से मैकेनिज्म है। फर्स्ट है RAAS बाय JGA। तो पहली चीज तो JGA क्या है, तो JGA एक स्पेशल नोट डाल दीजिएगा, याद रखना JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत स्पेशल सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जो किससे बनता है, DCT प्लस एफरेंट आर्ट्रियोल, जो ग्लोमेरुलस में आ रहा है उस आर्ट्रियोल की कुछ मॉडिफाइड सेल्स है, जैसे तुमने एक नाम सुना होगा मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा। इसी तरीके से आर्ट्रियोल की सेल को बोला जाता है जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल या JG सेल। तो JGA या जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ DCT एंड एफरेंट आर्ट्रियोल एट द साइट ऑफ देयर कॉन्टेक्ट। जहाँ पे ये कॉन्टेक्ट में आते हैं वहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब वापिस आओ इधर। GFR अगर कम हो जाए क्या हो जाएगा, GFR कम हो गई, पूरा फ्लो चार्ट है बहुत आसान, GFR लो हो गई तो कौन एक्टिव हो जाएगा, JGA एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो सेंसिटिव है इन फॉल फॉर द फॉल ऑफ GFR। GFR की कमी होने पर JGA एक्टिव होता है, और एक्टिव होकर किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है रेनिन। क्या नाम है, रेनिन हार्मोन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है, रेनिन। एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, रेनिन यहाँ से रिलीज होता है, तो रेनिन ब्लड के अंदर एक कंपाउंड पड़ा है एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम है, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव कर देता है, इसके नाम के पीछे नोजन लिखा हुआ है या ओजन लगा हुआ है, इट मीन्स ये इनएक्टिव है। किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन। किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन। ठीक है, एंजियोटेंसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्दर कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड। ठीक है, तो ये जो सिस्टम का नाम है RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन सिस्टम। क्लियर,
तो अब एंजियोटेंसिनोजन क्या करवाएगा, एंजियोटेंसिनोजन दो तीन चीज़ें करेगा जिसकी वजह से जीएफआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे पहले ये पीसीटी से एब्जॉर्प्शन करवाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, पीसीटी से सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। इसी तरीके से एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। और एल्डोस्टेरॉन के बारे में हमने आगे वाली क्लास में बात की थी कि एल्डोस्टेरॉन से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता था, किसका, सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर। तो इतना सारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इन रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली रीअब्जॉर्ब करवा के उस चीज को कहां पे ड्रॉप किया जाएगा, ब्लड के अंदर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी या वाजा रेक्टम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जीएफआर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आसान सिस्टम, वापस से बोल रहा हूँ फटाफट, फिंगर टिप्स पे याद रख सकते हैं आसानी से कि जीएफआर कम हो गई, कौन एक्टिव हुआ, जीजी एक्टिव हुआ। जीजी क्या है, मॉड्यूल स्पेशल सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जो डीसीटी और उसकी सेल से बना हुआ है, ठीक है, डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियल की सेल से बना हुआ स्पेशल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जीजी एक्टिव होकर क्या प्रोड्यूस करता है, रेनिन, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में इनएक्टिव था उसको एक्टिव करके कर दिया एंजियोटेंसिन एंड फर्दर कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड ने पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन करवाया और एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से ये चीजें सिक्रीशन, सॉरी एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन हुआ, उसने फर्दर एब्जॉर्प्शन करवाया। ओवरऑल इंक्रीज इन ब्लड विल लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ गया जिसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक हद तक जीएफआर बढ़ेगी, उसके बाद तो जीएफआर को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो दूसरा मैकेनिज्म यहां पर आता है, देखिएगा, एएनएफ, ये इसका पूरा नाम है एट्रियल नेफ्रीयूरेटिक फैक्टर, क्या नाम है, एट्रियल नेफ्रीयूरेटिक फैक्टर, इट इज प्रोड्यूस्ड नियर हार्ट, प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट सेल्स, कब प्रोड्यूस करेगा, अपॉन, अब अगर ब्लड वॉल्यूम इतना बढ़ गया है कि एट्रिया में भी ब्लड आना ज्यादा हो गया, अपॉन इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन ओरिकल्स या एट्रियम, ठीक है, अपने हार्ट के जो दो ऊपर वाले चैम्बर है उनके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है, इस इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो की वजह से हार्ट सेल से क्या प्रोड्यूस हुआ, एट्रियल नेफ्रीयूरेटिक फैक्टर, ये दो काम करेगा, पहला इनहिबिट रेनिन फ्रॉम किडनी, किडनी से निकलने वाले रेनिन हार्मोन को क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है, इनहिबिट कर देगा। सेकंड, इट एक्ट्स एज वेजोडाइलेटर, किसकी तरह काम किया, वेजोडाइलेटर, वेजोडाइलेटर मतलब ब्लड वेसल्स के डायामीटर को बढ़ा दिया, उनको छोड़ा कर दिया, उनको छोड़ा करेंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम, ब्लड प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल कि अगर जीएफआर बहुत ज्यादा हो गई है तो हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हार्ट की सेल से क्या प्रोड्यूस होगा, एट्रियल नेफ्रीयूरेटिक फैक्टर जो किडनी से रेनिन को रोक देगा, और दूसरा वेजोडाइलेटर की तरह काम करेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जीएफआर भी कम, हम बोल सकते हैं एक तरीके से एएनएफ है वो, एएनएफ है, इट एक्ट्स एज चेक पॉइंट, ठीक है, या स्टॉप पॉइंट, चेक पॉइंट या स्टॉप पॉइंट फॉर आरएएएस सिस्टम, इसको क्या करेगा, रोकने का काम, यहां पे माइनस लगाया हुआ इसका मतलब इसको रोकने का काम करता है। तो ध्यान रखना एएनएफ, ध्यान रखना एएनएफ इज
ANF acts as checkpoint या stop point for RAAS system. ये JGA में बढ़ोतरी करता है, बढ़ाता है, जबकि ANF JGA को कम करके वापस से normal कर देता है. ठीक है, तो ये दो system, ये mechanism हो गया. तीसरा क्या है, by ADH hormone. ठीक है, इसको इधर देखो, अपन समझते हैं. तीसरा mechanism ADH hormone. ठीक है, ADH हार्मोन बाय ADH हार्मोन किस तरीके से करेगा. बॉडी के अंदर बहुत सारे लगे हुए हैं ऑस्मो रिसेप्टर. क्या लगे हुए हैं? ऑस्मो रिसेप्टर, अलग अलग पार्ट में लगे हुआ ऑस्मो रिसेप्टर. और नाम से ही पता चलना चाहिए ऑस्मो रिसेप्टर क्या काम कर रहे होंगे. ऑस्मो रिसेप्टर बॉडी के अंदर ऑस्मोलेरिटी में जो चेंजेज होंगे, बॉडी फ्लूड के अंदर, स्पेशली ब्लड के अंदर या फिर टिश्यू फ्लूड के अंदर वो जो चेंजेज होंगे उसकी वजह से एक्टिव होंगे. ठीक है, तो एक्टिव अपॉन चेंज इन बॉडी फ्लूड. ठीक है, सपोज करो अभी बॉडी फ्लूड बहुत कम हो गए, फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा ही रिलीज हो रहा है बॉडी से. ठीक है, तो रिलीज होगा तो ये दो काम करेगा, बॉडी से एक्सेस लॉस हो रहा है फिल्ट्रेट का. okay? यहां पे लिख सकते हैं अपन एक्सेस लॉस ऑफ फिल्ट्रेट, उसको रोकना है अब. okay? चलिए, तो वो तो दोनों GFR से रिलेटेड थे. अब ये किस तरीके से काम करेगा, ये दो काम करता है. पहला, इट विल प्रमोट थर्स्ट. क्या करेगा? प्यास को बढ़ा देगा. प्यास को बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ड्रिंकिंग अर्ज होगी, पानी पीने का मन करेगा. हाँ, पानी ही पीने का मन करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ और पीने का मन करेगा. ठीक है, तो ड्रिंकिंग जब भी होगी तो वापस से बॉडी फ्लूड नॉर्मल हो जाएगा और ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे. तो ये फीडबैक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है. दूसरा काम, ये एक और काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ADH. ADH हार्मोन फ्रॉम ADH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकला जिसको अपन ने बोला ADH. ADH का पूरा नाम, इसके काम में ही इसका नाम है, सॉरी इसके नाम में ही इसका काम है, सॉरी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. क्या बोला जाता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, देखिए इधर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट से, कहां से? कलेक्टिंग डक्ट से के ऊपर काम करेगा और वाटर रीअब्जॉर्प्शन, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा. ठीक है, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम वापस से नॉर्मल और ऑस्मो रिसेप्टर को ये भी वापस से क्या करेगा, इनएक्टिव कर लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी फीडबैक सर्कल कंप्लीट हो जाता है. तो आसान है ADH हार्मोन, वापस सुन लो, ADH हार्मोन बॉडी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर लगे हुए हैं, वो जो तब एक्टिव होते हैं जब बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम में चेंजेज होते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन में एक्सेस लॉस ऑफ फिल्ट्रेट होने पर ये एक्टिव होते हैं और दो काम करते हैं. पहले थर्स्ट को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से अपन ड्रिंकिंग की अर्ज होती है, इच्छा होती है, तो वापस से फ्लूड वॉल्यूम नॉर्मल, ऑस्मो रिसेप्टर. दूसरा काम क्या करता है? ADH हार्मोन. कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से. और वो क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट से बहुत ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है. थोड़ा सा एसिडिटी से भी होगा, ज्यादातर अमाउंट में कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट से. ADH का एक और नाम है वैसोप्रेसिन. ठीक है, वहां से ये पिट्यूटरी ग्लैंड से वैसोप्रेसिन या ADH, नाम से ही पता चल रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. क्लियर? तो ये तीन चीजें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इनका कंप्लीट फ्लो चार्ट बना देना ताकि आसानी से याद.